हे गाइस, तो आज साड़ी में हम दुपट्टा लेते हैं और किस तरह से लेते हैं तो वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम यहाँ पे साड़ी पहन लेते हैं और यहाँ पे एक लेना है दुपट्टा, कुछ मैचिंग का लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और ये प्लेट के अंदर से इस कॉर्नर को यहाँ पे अटैच करेंगे पिन से, ठीक है। वहाँ से आपको और ये राइट अपने शोल्डर पे ये पल्ला लेना है आपको, ये वाला। अगर आप ओपन पल्ला लेते हैं तो ओपन पल्ला ले लेना है, लेकिन आप प्लेट से लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। लेकिन फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ से आपको पूरा बैग घुमा लेना है अपने दुपट्टे को और यहाँ पे इसकी प्लेट्स बना लेनी है जैसे ही हम बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम बनाते हैं बस सेम उसी तरह से हमको सारी प्लेट्स बना लेनी है, पतला मोटा जैसा भी आपको अच्छा लगता हो आपको बस वैसे ही बना लेनी है। और आपकी एक साड़ी से विथ दुपट्टा स्टाइल बहुत ही यूनिक सी बन जाएगी। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। और अगर आप तक अभी ने मेरे ब्लॉग नहीं देखे हैं, करवा चौथ स्पेशल बंगाली लुक, मराठी लुक और बहुत सारे मेकअप हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएं, मेरे ब्लॉग देखें। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग पड़े हैं मेरे चैनल पर। तो यहाँ पे मैं अब ये पीछे से अपना जो पल्ला है आपको यहीं से उठाना है। थोड़ा सा वो लॉन्ग हो गया था, लेकिन आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अपने हिसाब से आप करिएगा। और यहाँ पे आप बॉर्डर की जितना बॉर्डर चौड़ा है बस आपको उतनी ही सारी प्लेट्स लेनी है। उसके बाद आपको पीछे से वहीं रख के राइट शोल्डर पर आपको रख लेना है और वहाँ पे आपको पिन लगा लेना है। तो आपका ये लहंगा स्टाइल भी बन जाता है। इसमें अगर आप लोग सीधे सीधे प्लेट्स लेंगे, वो वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगी, लाने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि वो लहंगा से साड़ी से लहंगा बनाने की स्टाइल मैं ज़रूर लाऊंगी। और वो स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत यूनिक। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी। और यहाँ पर आपको पिन लगा लेना है। और अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर चेक करें। इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मैंने बनाए हैं सिर्फ स्पेशल करवा चौथ और दिवाली के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। इस तरह से हमारा ये लुक फाइनल लुक आता है साड़ी स्टाइल, ठीक है। आप चुन्नी भी ले सकते हैं और साड़ी का पल्लू भी ले सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल है सच में, बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा। और ये आपकी ये लटकन वगैरह है साइड से आ जाती हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। मेरी एक लाइट है नहीं, अभी दही चल रही है। और फिर आप लोग अपना मेकअप करिए अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सच में आपको। चलो हम बाहर दिखा देते हैं फिर भी फाइनल लुक आपको अपना। तो गाइज़, यहाँ रोशनी में कुछ ज़्यादा ही समझ में आ रहा है। और ये पीछे से अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट पल्लू लेंगे तो ये आपका जो लटका है वो लटका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन मैंने आगे के हिसाब से थोड़ा सा मतलब लॉन्ग हो गया था तो मैंने छोटा करा है, इस वजह से ये आपको पीछे दिख रहा है। लेकिन आप अगर आप अपने पहले से ही छोटा पल्ला निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी स्टाइल आएगी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइज, मैंने ये लुक आपको अपना बाहर भी दिखा दिया है थोड़ा रोशनी में। और ये स्टाइल सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है यार, बहुत ज़्यादा यूनिक है। मैं भी यही करने वाली हूँ करवा चौथ पर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टाइल अच्छी लगी है। और आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और देखते हैं मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो में हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सच में वीडियो बनाने में, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारी साड़ियाँ आती हैं मुझे, लेकिन ये साड़ी स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी है विद दुपट्टा। और बहुत अच्छे से आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कैरी कर सकते हैं सच में, रियल में। चलो